हिंद, आज हम समझने वाले हैं थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आपको हम लाइव प्रैक्टिकली करके बताएंगे इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहले उस चीज़ को देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लाइव समझने वाले हैं थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे थर्मोप्लास्टिक का, या जो भी चीज़ें देखेंगे थर्मोप्लास्टिक का। तो चलिए हम थर्मोप्लास्टिक को समझते हैं। तो जो थर्मोप्लास्टिक में जो मेन एग्जांपल है वो है पॉलीथीन। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक का ये जो एग्जांपल पॉलीथीन है, ये क्या है, इसमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी पाया जाता है। यदि आप इसको इसको नीचे एक बार मोड़ के इसको आग लगा देंगे तो ये कोई भी शेप में बदला जा सकता है। अब हम देखते हैं किसका एग्जांपल, थर्मोसेटिंग का। तो थर्मोसेटिंग का जो एग्जांपल होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये जो स्विच देख रहे हैं ये किसका एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग का, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। और ये जो कप हो गया, क्रोकरी हो गया, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी थर्मोसेटिंग का ही एग्जांपल है। और ये जो कॉम्स देख रहे हैं ये भी किसका एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का ही एग्जांपल है। और ये जो प्लाक देख रहे हैं जो इसमें खोसा जाता है, ये जो प्लाक है ये भी किसका एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग का ही है। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, उस चीज को देख लिए होंगे। अब हम सीधे आते हैं टॉपिक पर, और आपको बता दे कि ये इतना शानदार होने वाला है कि आप जब वीडियो को एंड तक देख लेंगे उसके बाद आप खुशी जाहिर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अब सीधे आते हैं टॉपिक पर। प्लास्टिक इज ऑफ टू टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। पहला थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक कितने प्रकार के दो, पहला थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इन दोनों को शुरू करने से पहले इसका मीनिंग समझते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इससे आपको ये जितना भी पूरा दुनिया भर की चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मो ये आ रहा है थर्मो, तो थर्मो मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब होता है हीट, और प्लास्टिक्स मतलब तो समझते ही हैं, प्लास्टिक्स एक मैनमेड मटेरियल्स है जो कि केमिकल से तैयार होता है, तो थर्मोप्लास्टिक्स। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि दो वर्ड आ रहा है, एक तो हीट और एक प्लास्टिक। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक्स, तो ये जो प्लास्टिक्स होता है ये हीट करने पर कोई भी शेप में बदला जा सकता है, यहाँ पर इस वर्ड का मतलब ये समझ लिए। अब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, तो थर्मो मतलब होता है हीट और सेटिंग मतलब होता है क्या, स्थिर करना, जमाव, स्थिर करना या जमाव होता है सेटिंग मतलब, और प्लास्टिक हो गया। तो ये जो थर्मो, ये जो प्लास्टिक्स होता है इसको क्या करते हैं, हीट करने के बाद यदि एक बार इसको किसी भी, जैसे यहाँ पर एक डिब्बा दिख रहा होगा इमेज में, यहाँ पर जब ये जब इस डिब्बा में ये जब ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये बदल गया तो दोबारा किसी भी शेप में नहीं बदला जा सकता, ये सेटिंग मतलब स्थिर, ये स्थिर हो जाता है। अब हम सीधे देखते हैं डिफरेंस। तो थर्मोप्लास्टिक एक साइड है, एक साइड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो चलिए देखते हैं थर्मोप्लास्टिक, इट कैन बी रिमोल्डेड एज मेनी टाइम्स एज डिजायर्ड ऑन हीटिंग। रिमोल्डेड मतलब होता है एक से शेप से साइज से दूसरे शेप साइज में बदला जा सकता है। ये जैसे ये एक यहाँ पर स्क्वायर है तो ये एक सर्कल में बदला जा सकता है, किसी भी शेप में बदला जा सकता है। रिमोल्ड, मोल्डेड मतलब होता है ढालना, तो रिमोल्डेड मतलब दोबारा उसको कोई भी शेप में बदल सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो एज डिजायर्ड ऑन हीटिंग, जब इच्छा हो तो हम हीटिंग करके इसको शेप चेंज कर सकते हैं, इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वंस सेट इट कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन, सिर्फ एक बार किसी शेप में सेट हो जाने के बाद ये किसी और शेप या साइज में नहीं बदला जा सकता है, इस पर हीट का कोई प्रभाव ही नहीं होगा, जैसा के जैसा ही रहेगा, कोई असर न पड़ने वाला है। अब आगे देखते हैं दूसरा, इट सॉफ्टेंस ऑन हीटिंग, ये ढीला हो जाता है, मुलायम हो जाता है हीट करने पर इसके पर ये देखते हैं अब, इट डज नॉट सॉफ्टेन ऑन हीटिंग। पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, हीट करने पर सॉफ्टेन नहीं होता है, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं
जैसे यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं वीडियो, तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो 5 मिनट 10 मिनट कुछ टाइम बीतेगा तो ये समय दोबारा नहीं ना हो सकता है। उसी प्रकार जब ये एक बार किसी में बदल गया तो दोबारा ये चेंज ही नहीं हो सकता। जैसे आप समय यहाँ पर 5 मिनट बीत जाएगा तो दोबारा इसको ला ही नहीं सकते हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा, पोलिथीन इज थर्मोप्लास्ट एंड कैन बी सबटेनेड ऑन हीटिंग। पोलिथीन क्या है? थर्मोप्लास्ट है। थर्मोप्लास्ट मतलब जो कि सॉफ्टेन हो सकता है हीट करने पर। अब देखते हैं थर्मो इधर वाला बेकलाइट, ये क्या है? एक एग्जांपल है। जैसे पोलिथीन थर्मोप्लास्टिक का एक क्या है उदाहरण है, उसी प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक बेकलाइट भी आता है। तो बेकलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकलाइट क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने जो बेकेलाइट है वो अपने द्वारा पास नहीं होने देता है। तो बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग्स, स्विचेस, कॉम्ब्स। तो बेकेलाइट किस में यूज होता है? इलेक्ट्रिकल प्लग्स में, स्विचेस में, कॉम्स में, जो कि आपको लाइव जब हम दिखाए थे तो आप वहां पर भी इन सब एग्जांपल्स को देखे होंगे। अब सीधे हम आगे देखते हैं, तीन गो हो गया है, अब आगे सीधे देखते हैं। चौथा देखते हैं, दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? तो प्लास्टिसिटी मतलब होता है रिमोल्ड, यानी दोबारा क्या कर सकता है, किसी भी शेप में बदला जा सकता है। तो दे डू नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी ऑन रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। जैसे इसको एक अलग देश समझते हैं, जैसे ये एक स्क्वायर शेप का क्या है, जैसे थर्मोप्लास्टिक एक पोलिथीन है। अब आप इसको किस में हीट कर देंगे, इसको हीट दे के इसको हीट करेंगे, फिर अपने आप कूल होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में। फिर से इस सर्कल को हीट दे के फिर अपने आप कूल होगा तो किसी टेढ़ा मेढ़ा शेप में बदल जाएगा। तो बार बार यानी रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग करने के बाद भी इसका जो प्लास्टिसिटी है वो नहीं लॉस होता है, मतलब कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना बार भी इसको कर सकते हैं, ये शेप अपना चेंज करते ही रहेगा। अब थर्मोसेटिंग देखते हैं, दे लूज देयर प्लास्टिसिटी एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। एक बार जिस शेप में है वो वही शेप में रहेगा। इसको जिद्दी भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि ये एक ही शेप में रहना चाहता है। अब आगे देखते हैं पांचवा, पॉलीस्टीरीन, ये भी एक एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का। तो पॉलीस्टीरीन इज ए थर्मोप्लास्टिक, इट कैन बी रिमोल्डेड इजिली एंड इट इज यूज टू मेक इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ये क्या है? पॉलीस्टीरीन एक थर्मोप्लास्टिक है और ये रिमोल्ड किया जा सकता है इजिली किसी भी शेप में। और ये किस में यूज होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल्स को बनाने में, जैसे हॉट ड्रिंक कप्स हो गया, ईटीसी, और भी कई सीरीज आते हैं। और इट इज वेरी लाइट, ये बहुत हल्का होता है। पोलिथीन नहीं देखे हैं बाजार से कोई भी सामान लाने जाते हैं, बहुत हल्का होता है, एकदम बहुत वजन कम होता है। आप देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो इसका मेलेमाइन एक भी एक एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो मेलेमाइन रजिस्टेंट टू फायर एंड कंट्रोलरेट हीट, ये फायर को रजिस्ट करता है, रोकता है और हीट को सह सकता है, टॉलरेट हीट। तो ये इसका रजिस्टेंट टू फायर एंड कंट्रोलरेट हीट। तो मेलेमाइन हैज ए हार्ड एंड स्मूथ सरफेस। देखिए इसका मेलेमाइन हार्ड तो है ही, उसका सरफेस भी स्मूथ होता है। एंड इज यूज टू मेक टेबल टॉप्स एंड क्रॉकरी। क्रॉकरी मतलब होता है चीनी मिट्टी का जो बर्तन है, उसी को कहते हैं क्रॉकरी। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखने से चीज़ें याद रहेगी। तो यहाँ पर देखिए पढ़ के बता देते हैं, आपको दो एग्जांपल देना है थर्मोप्लास्टिक का जो अभी आप पढ़ रही हैं। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आई एम वेरी स्टाप बोर्न। स्टाप बोर्न मतलब जिद्दी होता है। तो आई एम वेरी स्टाप बोर्न, वंस आई टेक शेप, मतलब एक बार ये शेप ले लेगा तो यू कैन नॉट चेंज मी, वो तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो ये क्या, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।